ओम शांति। आप पिछले दो दिनों से ज्ञान सरोवर के इस शांतिपूर्ण आनंददायक वातावरण में निवास कर रहे हैं। मैं समझती हूँ इस वक्त तो किसी को भी तनाव नहीं होगा, है किसी को तनाव? लेकिन जब वापस पुनः अपने स्थानों पर जाएंगे, फिर वही समस्याएं होंगी, वही फिर स्थितियां, तो तनाव हो सकता है। आज तनाव के बारे में हम कहेंगे, ये विश्वव्यापी समस्या है और स्थिति ऐसी है कि तनाव से हो गई है दोस्ती इस कदर, तनाव होता है तनाव के न होने पर। अब ये हालात हैं हमारे जीवन के कि अगर हमें टेंशन नहीं है तो हम सोचते हैं क्या हम कुछ कर नहीं रहे हैं। आज बच्चों को भी तनाव होता है, जो खेलने मौज करने की उम्र मानी जाती थी। हमारे यहाँ बहुत विंग्स हैं, आपने सुना, आप स्पोर्ट्स विंग में आए हैं, ऐसे ही एक मेडिकल विंग है जो लोगों को स्वास्थ्य की शिक्षा देने के लिए स्वास्थ्य मेले आयोजित करते हैं। तो उसमें अनेक स्टॉल होते हैं हेल्थ एजुकेशन के लिए। तो ऐसे एक शहर में मेला लगा हुआ था और उसमें एक स्टॉल था जिसमें कहा गया कि यहाँ आप अपनी बुराई का दान करें। तो बुराई का दान करने का मतलब कि यदि कोई सिगरेट पीता है, शराब पीता है या गुटखा तंबाकू किसी भी रूप में लेते हैं तो वो दान करना है। एक माता पिता अपने बेटे के साथ वो मेला देख रहे थे और जब वो उस स्टॉल पर पहुँचे तो माँ को बहुत अच्छा लगा। उसने अपने बेटे को कहा कि बेटा तुम चॉकलेट बहुत खाते हो, हाँ डॉक्टर कहते हैं तुम चॉकलेट छोड़ दो, तुम्हारे दांत सड़ रहे हैं, तो तुम यहाँ अपनी चॉकलेट दान कर दो। तो बेटा बोला, माँ मुझे सोचने दो, मुझे क्या दान करना है। फिर एक मिनट के बाद बोलता है, मैं पढ़ाई दान कर दूँ, मुझे पढ़ाई से बहुत टेंशन होता है। तो आज पढ़ाई में इतना कॉम्पिटिशन है, अगर किसी अच्छे स्कूल में भी एडमिशन लेना है तो भी कॉम्पिटिशन फेस करना पड़ता है। तो शुरू से लेकर कैरियर के हर मोड़ पर आज प्रतिस्पर्धा है और उसके कारण बच्चे भी तनाव से गुजरते हैं। कहते हैं 20वीं सदी में तनाव बहुत बड़ा और उसका कारण था कि समाज के सभी क्षेत्रों में बहुत परिवर्तन हुए और हमें भी समय के साथ चलना पड़ता है। उसके कारण एक संघर्ष और प्रतिस्पर्धा की स्थिति जो उत्पन्न हुई उसने तनाव को बढ़ाया और इसीलिए 20वीं सदी में बहुत स्टडीज़ हुई तनाव के ऊपर। वैज्ञानिक हेंसले ने इसके ऊपर कार्य किया और उन्होंने तनाव को परिभाषित किया, तनाव हमें तब होता है जब परिस्थितियों की मांग ज़्यादा है, प्रेशर्स ज़्यादा हैं। हम आपको प्रेजेंटेशन दिखाना चाहते थे लेकिन टेक्निकल चीज़ें होती हैं, कई बार फेल हो जाती हैं तो नहीं दिखा पाएंगे, शायद प्रयास कर रहे हैं पर नहीं दिखा सके तो कोई बात नहीं, ऐसे ही ओरल हम आपको उस विषय को स्पष्ट करेंगे। तो उन्होंने समझाया कि जब प्रेशर्स हमारे ऊपर ज़्यादा होते हैं और कोपिंग एबिलिटी कम होती है, यानी हमारी आंतरिक क्षमता और सामर्थ्य कम है, तो हम जो महसूस करते हैं इट्स काइंड ऑफ फीलिंग और इट्स ए काइंड ऑफ पेन विच कम्स टू टेल मी देयर समथिंग आई नीड टू चेंज, मुझे अपने जीवन में कुछ परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। और उस परिवर्तन को लाने के लिए हमें कुछ नया सीखना होगा, नहीं तो हम परिवर्तन नहीं ला सकते। और उन्होंने ये भी बताया कि तनाव की स्थिति में हमारे शरीर में कुछ केमिकल्स बनते हैं, ये केमिकल्स एड्रेनलिन और स्टेरॉइड्स होते हैं जो स्टिमुलेंट्स हैं और उसके हमारे शरीर पर हानिकारक प्रभाव होते हैं। येल यूनिवर्सिटी एक अमेरिका में है जिसमें विद्यार्थियों के ऊपर एक स्टडी की गई, 20 वर्ष की उनकी आयु थी, उन्हें दो ग्रुप में बांटा गया। एक ग्रुप में उन विद्यार्थियों को लिया गया जो बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते थे या तनाव में आ जाते थे, धैर्य नहीं रख सकते थे, अपने मन को स्थिर नहीं रख पाते थे। दूसरे ग्रुप में उन विद्यार्थियों को लिया गया जो उसके अपोजिट स्वभाव के थे, शांत स्वभाव के थे, धैर्य रख सकते थे, और उनके स्वास्थ्य की जांच की गई तो देखा उस उम्र में
दोनों ही ग्रुप का स्वास्थ्य सामान्य था, लेकिन ये एक स्टडी थी तो हर 10 साल के बाद उनको बुलाया गया फॉलोअप के लिए, स्वास्थ्य की जांच के लिए, और 50 वर्ष तक की आयु तक आते आते जो पहला ग्रुप था उसमें दूसरे ग्रुप की तुलना में 5 गुना अधिक बीमारियां हो चुकी थी। यानी अगर पहले ग्रुप में दूसरे ग्रुप में 5 लोग बीमार हुए तो पहले ग्रुप में 25 लोग बीमार हुए, 5 गुना बीमारियों का मतलब। और हर एक को हृदय रोग या हाई ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़, जो साइकोसोमैटिक बीमारियां हैं, आज 70% बीमारियां साइकोसोमैटिक हैं जो तनाव के कारण होती हैं, और इसीलिए उनके मृत्यु की संभावना भी 5 गुना ज़्यादा थी। और यही कारण है कि हमें अपने तनाव को मैनेज करना चाहिए, और नहीं तो ये हमारे लिए बहुत हानिकारक सिद्ध होता है। हम देखते हैं प्रेशर्स आज हम पर चारों तरफ से आते हैं। भूतकाल में हमारे जीवन में कुछ घटनाएं घटती हैं जिन्हें हम बार बार सोचते हैं। बात जब हुई होती है बहुत छोटी होती है, लेकिन जब हम उसे बार बार सोचते हैं तो फिर वो बड़ा रूप लेने लगती है। मानो ये बहुत हल्की सी चीज़ है, अगर मैं इसे हाथ में पकड़ती हूँ तो मुझे कोई कष्ट नहीं होता है, लेकिन इसे ही यदि मैंने 10 घंटे ऐसे ही पकड़ लिया अपने हाथ में तो मेरा हाथ दर्द करने लगेगा, और हो सकता है और मैं पकड़ूँ तो मेरा हाथ सुन्न भी हो जाए, पैरालाइज की स्थिति तक भी पहुँच सकता है, क्योंकि मैंने उसे लिमिट से ज़्यादा पकड़ लिया। किसी भी बात को भी जीवन में, जो भी हमारा बीता हुआ कल है, उसको हम अगर बहुत पकड़ लेते हैं, उसको हम लेट गो नहीं करते, तो वो हमारे मन में दर्द देने लगती है। वर्तमान में भी हम उसका तनाव महसूस करते हैं। कुछ लोग भविष्य की बहुत चिंता करते हैं, क्या होगा, कैसे होगा, जैसा हम चाहते हैं वैसा होगा कि नहीं होगा, असुरक्षित महसूस करते हैं, अनसर्टेन फ्यूचर। उसके लिए वर्तमान में यदि हम चिंता करते हैं तो भी वर्तमान की भी अपनी समस्याएं होती हैं, और इस तरह से चारों तरफ से प्रेशर्स हमें तनाव में ले आते हैं। और हमारे स्वास्थ्य पर जो प्रभाव होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा प्रभाव हमारे हृदय पर होता है। हमारी भावनाओं से जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है वो है हार्ट। हार्ट की धड़कन, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, और यदि कॉर्नरी ब्लॉकेजेस हैं, कभी कभी 30-40 साल की उम्र तक आते आते कुछ परसेंटेज तक कॉर्नरी ब्लॉकेजेस होने लगते हैं, और यदि एड्रेनलिन रिलीज होता है उससे आर्टरीज कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, हार्ट को ऑक्सीजन कम मिलती है, तो हार्ट अटैक भी हो सकता है। ये देखा गया कि हृदय रोगों का एक बहुत बड़ा कारण तनाव, और कारण से भी होता है, देयर आर सो मेनी लाइफस्टाइल फैक्टर्स जो हार्ट डिजीजेस के कारण बनते हैं, लेकिन स्ट्रेस एक मेजर फैक्टर है। दूसरा देखा गया कि तनाव की स्थिति में हमारे शरीर में एसिडिटी ज़्यादा बनती है, पाचन तंत्र पर असर आता है, तो अल्सर्स हो सकते हैं, डायरिया हो सकता है, क्रैम्स हो सकते हैं, नर्वस सिस्टम पर इफेक्ट आता है, उससे स्टैमरिंग होना, हाथ पांव कांपना, सिर में दर्द होना, नींद नहीं आना, कंसंट्रेशन की कमी हो जाती है, डिसीजन पावर कम हो जाती है, हमारी स्मरण शक्ति पर भी उसका असर आता है, और यदि लंबे समय तक ये तनाव चलता है तो मस्तिष्क की कार्यक्षमता प्रभावित होती है, और डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। हम देखते हैं आज जो स्टैटिस्टिक्स हैं डिप्रेशन के, 2 करोड़ से ज़्यादा लोग भारत में डिप्रेशन की दवाइयाँ खाते हैं, और अगर वो ज़्यादा हताशा में चले जाते हैं यानी पैनिक स्टेज में चले जाते हैं तो फिर लोगों में सुसाइडल टेंडेंसीज भी डेवलप हो जाती हैं। फिर कुछ लोग अपने तनाव से बचने के लिए व्यसनों का सहारा लेते हैं, आइदर वो स्मोक करते हैं, ड्रिंक करते हैं, या फिर कहाँ तंबाकू किसी भी रूप में लेते हैं, तो तनाव उससे कम होता है या नहीं होता है, लेकिन स्वास्थ्य पर और बुरा असर होता है। डायबिटीज़, आर्थराइटिस, ये भी साइकोसोमैटिक डिजीज़ हैं। तनाव के कारण हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती, इम्यूनिटी कम हो जाती है, और उसकी वजह से जो इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं वो भी हमें
लग सकते हैं. तो ओवरऑल हमारे स्वास्थ्य को ये प्रभावित करता है. हम सभी अपने जीवन में तनाव के अनुभवी हैं. हाँ, आप में से कोई ऐसे कहेगा कि मुझे कभी तनाव नहीं हुआ है, ना है ना होगा. हाँ, कह सकते हैं कोई? नहीं. तो हम सब कभी ना कभी तनाव से गुजर रहे होते हैं, अनुभवी हैं. बहुत समस्याएं आती रहती हैं, चाहे वो फैमिली लाइफ की हैं, चाहे वो वर्क प्लेस की हैं, चाहे हमारी पर्सनल लाइफ से संबंधित हैं, हमारी पर्सनालिटी से संबंधित हैं. तो हम थोड़ा आपसे शेयर करना चाहेंगे, आप शेयर करेंगे कि कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं जब आप तनाव महसूस करते हैं. कोई भी बोल सकते हैं. अच्छा, सुबह जल्दबाजी में काम निपटा करके ऑफिस जाना होता है तो तनाव होता है. और जी हाँ हाँ मल्टीटास्किंग. हाँ, बहुत सारे काम करने पड़ते हैं और एक काम पर फोकस नहीं कर पाते हैं, टेंशन होता है. और अच्छा परफॉर्मेंस, हाँ, बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए. बिल्कुल सही बता रहे हैं, टारगेट पूरा करने के लिए, अपनी कमजोरियों के कारण. अब कौन सी कमजोरियां हैं? ये तो एक जनरल टर्म हो गई ना, एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं अपने आप को. और जी हाँ, बॉस के इरेटिक बिहेवियर से. और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस. हाँ, अभी तो बहुत अच्छा क्लास किया आपने, कॉन्फिडेंस को कैसे बूस्ट करना है. और हाँ जी, ट्रैफिक ट्रेन. हाँ हाँ, कभी ट्रैफिक से गुजरना पड़ता है और हमें टाइम पर पहुंचना है, फ्लाइट लेनी है, ट्रेन लेनी है. तो ये जो भी कारण हैं हमारी डे टू डे लाइफ में जिन्हें हम फेस करते हैं, इसके ऊपर भी स्टडीज हुई हैं. होम्स एंड राहे अमेरिकन साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बताया कि हमारे जीवन में जो घटना परिवर्तन लाती हैं वो तनाव पैदा कर सकती हैं. तो उन्होंने कहा डेथ इन द फैमिली, परिवार में यदि किसी सदस्य की मृत्यु हो गई तो वो सबसे ज़्यादा तनावपूर्ण होता है. और अगर वो अचानक अनायास किसी दुर्घटना में मृत्यु है तो व्यक्ति बहुत तनाव से गुजरते हैं. डाइवोर्स एंड सेपरेशन, ये स्थिति बहुत इमोशनल ट्रॉमा देती है. पति पत्नी में अहम का टकराव होता है, वो साथ में नहीं रह सकते, अलग रहने लगते हैं. आजकल तलाक के केसेस बहुत बढ़ते जा रहे हैं. वेस्टर्न वर्ल्ड में तो ये कॉमन है, लेकिन भारत में भी ये केसेस बढ़ते जा रहे हैं. शादी वैसे खुशी का अवसर है, लेकिन इसमें भी परिवर्तन होता है, इसलिए शादी में भी तनाव होता है. खुशी का मौका भी तनाव पैदा कर सकता है. हम एक एग्जांपल देना चाहेंगे आपको कि एक बार एक बिजनेसमैन थे, उन्होंने लॉटरी का टिकट खरीदा. 1 करोड़ की लॉटरी का टिकट था, जो उस ज़माने में बहुत बड़ी रकम थी. आज के ज़माने में शायद ये इतनी बड़ी रकम ना हो. तो भाग्य से उनकी लॉटरी खुल गई, लेकिन ये समाचार उनकी पत्नी को मिला. पत्नी ने सोचा कि मेरे पति हार्ट पेशेंट हैं, मुझे नहीं डायरेक्ट उनको बताना चाहिए कि इतनी बड़ी रकम उनको लॉटरी में मिली है, मैं अपने डॉक्टर से सलाह ले लेती हूँ. तो पहले उसने अपने फैमिली डॉक्टर से बात किया, तो फैमिली डॉक्टर ने बोला उनको मेरे पास भेज दीजिए, मैं समझा दूँगा. गए डॉक्टर के पास, उन्होंने कुछ समाचार की बात की, कुछ हेल्थ की बात की, और फिर कहा अगर आपको 10 लाख की लॉटरी लगेगी तो आप क्या करोगे. तो कहा डॉक्टर, अगर मुझे 10 लाख मिलेंगे तो फिर मैं एक कार ले लूँगा, मुझे कार की ज़रूरत है. फिर उन्होंने कहा अच्छा, अगर आपको 50 लाख की लॉटरी लगेगी तो क्या करोगे. कहा अगर 50 लाख मिलते हैं तो फिर मैं घर ले लूँगा, मुझे घर भी चाहिए. फिर डॉक्टर ने कहा अच्छा, आपको 1 करोड़ की लॉटरी लगी है, आप क्या करोगे.
तो उनको पता था कि उन्होंने लॉटरी का टिकट खरीदा है, तो उन्होंने कहा डॉक्टर मुझे मालूम है मैंने टिकट लिया है, लेकिन मैं इतना भाग्यवान नहीं हूँ कि मेरी लॉटरी खुल जाए। तो डॉक्टर ने कहा नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, आपकी लॉटरी खुल गई है, आप क्या करोगे? तो फिर वो सोचने लगे और कहा अगर सच है तो फिर डॉक्टर 50 लाख मैं आपको दे दूंगा। तो डॉक्टर को हार्ट अटैक हो गया। हाँ, यह भी ऐसा होता है कि माता पिता जिन्हें अपने बच्चों की शादी करनी होती है उन्हें कई प्रबंध करने पड़ते हैं, उसमें धन की समस्या हो सकती है, ससुराल पक्ष वालों के व्यवहार की समस्या हो सकती है, नया वातावरण होता है, नए लोग, उनके साथ एडजस्ट करना, ऐसी कई बातें उसके साथ जुड़ी हुई हैं, इसलिए तनाव हो सकता है। चिल्ड्रन, हम समझते हैं या खासकर माता पिता सोचते हैं बच्चे आज्ञाकारी हों और उनकी अपेक्षाओं को पूरे करने वाले हों। हर एक माता पिता चाहते हैं बच्चे ऊंचे से ऊंचा कैरियर बनाएं, वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, मैनेजर बने, या जो भी जिस भी क्षेत्र में हैं वो अच्छा कैरियर बनाएं। अगर बच्चे योग्य हैं तो ज़रूर माँ बाप की अपेक्षाओं को पूरा करते हैं, लेकिन यदि वो योग्य नहीं हैं या उनकी वो रुचि नहीं है जो आप चाहते हैं, कई बार आप उनको बहुत पढ़ाना चाहते हैं लेकिन उनकी रुचि खेल में है, जैसे आप सभी स्पोर्ट्स विंग से आए हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि जो खेलने वाले हैं वो बहुत बड़ी डिग्री लिए हुए भी हों, खेलने के लिए डिग्री की ज़रूरत नहीं है। तो अगर बच्चों पर दबाव बनाते हैं माता पिता अपनी अपेक्षाओं का, तो कई बार बच्चे गलत कदम उठा लेते हैं, और यदि वो गलत संघ में पड़ जाते हैं या गलत आदतों में चले जाते हैं तो भी माता पिता को तनाव होता है। तो यहाँ पर समझना चाहिए पहले तो कि बच्चे की रुचि क्या है, उसी अनुसार हम उनका मार्गदर्शन करें या उनसे हम अपेक्षा रखें, तब वो अपना बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। और यदि आप चाहते हैं वो गलत संग में, गलत आदतों में ना पड़ें, तो बचपन से ही उन्हें अच्छे संस्कार दें, तब आप जैसा चाहेंगे वैसा वो अपना जीवन बना पाएंगे। तो बच्चों की समस्याएं जो आती हैं उनमें भी कई बार स्ट्रेस होता है, ये देखने में आता है कि बच्चे भी माँ बाप को अपने स्ट्रेस के लिए ज़िम्मेवार बताते हैं कि हमारे माँ बाप हमें नहीं समझ पाते हैं। माता पिता सोचते हैं आजकल के बच्चे हमें नहीं समझ पाते, और बच्चे सोचते हैं हमारे माता पिता हमें नहीं समझ पाते। धन की समस्या, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी फैमिली में आती हैं। आज धन को हम बहुत बड़ी शक्ति मानते हैं, हम मानते हैं धन है तो सब कुछ है। पहले कहते थे धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, और चरित्र गया तो सब कुछ गया। आज उल्टा है, आज लोग कहते हैं धन गया तो सब कुछ गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, और चरित्र गया तो कुछ नहीं गया। लोग धन कमाने के लिए अपने चरित्र की भी परवाह नहीं करते, मूल्यों की भी परवाह नहीं करते, संबंधों की भी परवाह नहीं करते। धन मिल जाए तो किसी की भी परवाह नहीं है। आज समाज की ये स्थिति है या नहीं? समाज में भ्रष्टाचार क्यों फैला हुआ है? भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहरी हैं, उसका कारण यही है। या हम कहते हैं भाग दौड़ की ज़िंदगी है, तो हम क्यों भाग दौड़ की ज़िंदगी जी रहे हैं? किसके पीछे भाग रहे हैं? कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा धन कमा लें। तो धन ज़रूर हमारे जीवन की आवश्यकता है, लेकिन धन सब कुछ नहीं है। देखो, आप धन से किताबें खरीद के ले आएंगे, ज्ञान खरीद सकते हैं। धन से आप घड़ी खरीद करके ले आएंगे, समय खरीद सकते हैं। धन से आप दवाइयाँ खरीद करके ले आएंगे, स्वास्थ्य खरीद सकते हैं, उसकी अपनी सीमा है। तो धन हमें ज़रूर कमाना चाहिए, लेकिन सच्चाई और ईमानदारी से कमाया हुआ धन जीवन में शांति देता है, सुख देता है, नहीं तो धन तनाव पैदा करता है। आज भ्रष्टाचार से हमने धन कमा लिया, चलो गलत तरीके से हमने धन कमा लिया। कई बार स्पोर्ट्स में भी देखने में आता है, मैच फिक्सिंग क्यों होती है? कहीं ना कहीं गलत तरीके से धन कमाना चाहते हैं। तो क्या उनका वो गलत कार्य कुछ समय के बाद सामने नहीं आ जाता है? फिर उसके जब परिणाम भुगतने पड़ते हैं तब वो कितने कष्टदायी होते हैं, बदनामी होती है वो अलग, डिमोशन होता है वो अलग, है ना? तो जो भी गलत तरीके से धन आता है वो कभी भी जीवन में सुख शांति नहीं लाता, तनाव भी पैदा करता है। तो कहते हैं धन दोनों तरह से तनाव पैदा करता है, अधिक धन भी और कम धन भी,
अधिक धन की सुरक्षा करनी पड़ती है, गवर्नमेंट से कैसे बचाया जाए इसे, इसे चोरों से कैसे बचाया जाए। आप कई बार हम देखते हैं कि लोगों को अधिक धन के कारण मार दिया जाता है, जान से भी मार दिया जाता है अगर बहुत अधिक धन होता है। और हमारे यहाँ ही ये घटना हुई माउंट आबू में, एक इंजीनियर थे, यहाँ के चीफ इंजीनियर थे, और किसी को पता चल गया कि ये करोड़पति हैं और अकेले रहते हैं, अपने घर में अकेले रहते थे। तो घर में काम करने के बहाने से दो लोग आए, कोशिश की उनका धन लूट करके ले जाएं, बाकी मतलब उनके जो भी अकाउंट्स वगैरह थे वो उन्होंने सब पता लगा लिया था सोर्सेस से। लेकिन दुर्भाग्य था उनका कि वो ऐसे समय पर ही घर पहुंच गए, और जब घर पहुंच गए तो फिर उनके सामने और कोई चारा नहीं था कि उसकी हत्या कर दी जाए। तो पहले से ही तैयारी थी उनकी, और जैसे ही वो इंजीनियर घर में घुसे, वो दोनों ने उनको मिलकर के जान से ही मार दिया। अब बताइए, अधिक धन अपनी ही जान गंवाने का कारण बन गया। तो इंसान को वास्तव में चाहिए क्या होता है? रहने के लिए एक घर, सोने के लिए एक बिस्तर, खाने के लिए जितना पेट भर भोजन हम कर सकते हैं उतना ही करेंगे, उससे ज़्यादा तो हम करेंगे नहीं। आवश्यकताएं मनुष्य की ज़्यादा नहीं होती हैं। सो देर इज़ इनफ फॉर नीड्स, नॉट फॉर ग्रीड्स। इच्छाएं तो कभी भी पूरी नहीं होती हैं, और आवश्यकताओं के लिए हमें धन आसानी से प्राप्त हो जाता है या हम आसानी से कमा लेते हैं। अब कार्य क्षेत्र में भी हम बहुत समय व्यतीत करते हैं, 8 घंटा हमारा वर्क प्लेस पर जाता है, कोई ना कोई समस्याएं होती हैं कार्यस्थल पर। जैसे बॉस की बात हुई अभी, कि अगर बॉस हमारे अधिकारी कठोर स्वभाव के हैं, आप सारे दिन बहुत मेहनत करते हैं, आपके कार्य की प्रशंसा तो नहीं होती है, लेकिन कहीं थोड़ी सी चूक हो गई या आपसे गलती हो गई, 4 लोगों के सामने आपको अपमानित कर दिया जाता है या आपको डांट दिया जाता है, तो ऐसे बॉस से तनाव होता है। जब भी उसका मन में ध्यान करेंगे या उनके सामने जाना होगा, तनाव पैदा हो जाएगा। साथियों के साथ हम कार्य करते हैं वर्क प्लेस पर, अगर उनसे हमारे विचार नहीं मिलते हैं, चाहे हम स्पोर्ट्स में हैं, टीम में हम खेलते हैं, हमारे साथियों से हमारे विचार नहीं मिलते हैं, लेकिन खेलना उसी टीम में है, तो कन्फ्लिक्ट हो जाता है। तो जितना बेस्ट परफॉर्मेंस हम देना चाहेंगे उतना हम नहीं दे पाएंगे। ऐसे ही कॉम्पिटिशन भी कई प्रकार का होता है। अब स्पोर्ट्स माना ही कॉम्पिटिशन ऐसा हम कहेंगे, लेकिन अगर वो हेल्दी कॉम्पिटिशन है विथ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, यानी हम कोई गलत तरीके इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं जीतने के लिए, लेकिन सच्चाई ईमानदारी से हमारी क्षमता से हम जीत रहे हैं, तो हम उसको सही कॉम्पिटिशन स्पिरिट कहेंगे। लेकिन कई बार लोग गलत तरीके भी इस्तेमाल करते हैं, जिसमें ईर्ष्या द्वेष शामिल होती है, बदले की भावना शामिल होती है, तो फिर वो गलत हो जाता है। ऐसे ही प्रमोशन की बजाय डिमोशन हो जाए, कई बार गलती हो जाती है कार्य क्षेत्र पर, आपको पद कम कर दिया जाता है या रेस्टिकेट कर दिया, स्पोर्ट्स में भी ऐसा कुछ आपने कर दिया, व्यवहार कर दिया या कोई ऐसी मिस्टेक कर दी। तो कहते हैं लॉस ऑफ स्टेटस इज मोर स्ट्रेसफुल देन लॉस ऑफ मनी एंड कंफर्ट्स। एक्सेसिव वर्कलोड वो भी हमें तनाव पैदा करता है। तनाव के बारे में कुछ भ्रामक धारणाएं हैं, और वो भ्रामक धारणाएं हैं, हम सोचते हैं डॉक्टर के पास जाकर के जब चेकअप कराएंगे तभी पता चलेगा कि हम तनाव में हैं, नहीं तो हम नहीं समझ सकते कि मुझे तनाव हो रहा है। हम समझ सकते हैं या नहीं समझ सकते, क्या कहेंगे? तनाव को समझ सकते हैं नहीं समझ सकते? अपने तनाव को हम समझ सकते हैं, और ये बहुत ज़रूरी है। यदि हम अपने तनाव को कम करना चाहते हैं, हम अपने तनाव को पहचानें, तभी उसे दूर करने के लिए हम कुछ उपाय करेंगे। हम ये भी समझते हैं कि आज की मॉडर्न डे लिविंग में स्ट्रेस इज़ नॉर्मल, जैसे अभी हमने बात की, बट स्ट्रेस इज़ नॉट नॉर्मल। अगर कहीं बॉम्ब रखा हुआ है
पुलिस को पता चलता है कि एरोप्लेन में बॉम्ब है या रेलवे स्टेशन पर बॉम्ब है तो क्या करते हैं? तुरंत सब कुछ स्टॉप करके पहले बॉम्ब को ढूंढेंगे कि उससे जान माल की हानि ना हो या उसे डिफ्यूज़ करेंगे। तो ऐसे ही जैसे ही हमें समझ में आता है कि मुझे तनाव हो रहा है, हमें अपने तनाव को दूर करने के लिए कुछ कदम अवश्य उठाने चाहिए। फिर हम ये भी समझते हैं कि बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए कुछ ना कुछ तनाव तो ज़रूर होगा। अगर हम बेस्ट परफॉर्मेंस देना चाहते हैं, सक्सेसफुल होना चाहते हैं, क्या कहेंगे? इज़ इट राइट कि अगर हम बेस्ट परफॉर्मेंस देना चाहते हैं तो कुछ ना कुछ तनाव ज़रूर होगा? जो समझते हैं ये राइट है वो हाथ उठाएं। अच्छा, और जो समझते हैं नहीं गलत है वो हाथ उठाएं। अच्छा, लगभग बराबर ही हैं, बाकी सब न्यूट्रल है। एक्चुअली जब हम तनाव में होते हैं तब हमारी परफॉर्मेंस थोड़ी बढ़ती है, क्योंकि हमारे शरीर में कैटाकोलामिन्स बनते हैं जो हमारे सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं, हमारी बॉडी को प्रिपेयर करते हैं फाइट करने के लिए। तो हमें लगता है हमारी कार्यक्षमता बढ़ गई है, लेकिन थोड़े समय के बाद शरीर में स्टेरॉइड बनते हैं जो हमारी कार्यक्षमता को घटा देते हैं और हम थकान महसूस करते हैं। और ये भी देखा जाता है कि तनाव में काम करते हैं तो हम 40 साल की उम्र तक आते आते जो हमें पद पाना चाहिए, जितना हमें धन कमाना चाहिए, नाम कमाना चाहिए, हम कमा लेते हैं। लेकिन जब हम हेल्थ चेकअप कराने जाते हैं तब पता चलता है कि या तो हाई ब्लड प्रेशर हो गया है या हार्ट की बीमारी शुरू हो गई है या डायबिटीज शुरू हो गई। ये सारे साइकोसोमेटिक डिजीज़ ऐसे हैं जिन्हें सिर्फ हम कंट्रोल कर सकते हैं। अगर एक बार ये बीमारियां हो जाती हैं तो जीवन भर मनुष्य को इनके साथ जीना होता है। दे आर नॉट क्यूरेबल। तो आपने 40 साल तक कमाया, अब नेक्स्ट जितना भी आप जीने वाले हैं स्वस्थ रहने के लिए खर्च करते रहेंगे। लेकिन यदि हम आत्मविश्वास से काम करते हैं, यदि हम मोटिवेशन से काम करते हैं, यदि हम दृढ़ इच्छा शक्ति से काम करते हैं, उत्साह से कार्य करते हैं, निष्ठा और लगन से कार्य करते हैं, तो भी हम सफल होते हैं। ये गुण हैं जो हमारे स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव नहीं डालते, लेकिन स्ट्रेस नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड है, हमारे स्वास्थ्य और मन पर बुरा असर डालता है। ऐसे ही एक सीईओ थे, 35 साल की उम्र में वो कंपनी के सीईओ बन गए। अब मल्टीनेशनल कंपनी थी, उन्हें बहुत देशों में जाना पड़ता था। तो एक बार वो ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर थे और वहाँ कंपनी को लॉस हो गया। आज तक उन्होंने स्ट्रेस में काम किया था, कभी जीवन में असफल नहीं हुए, सफलता की ही आदत थी। और जब लॉस हुआ, इतना स्ट्रेस हुआ, उनको ये पता नहीं था कि स्ट्रेस के कारण उनके हार्ट पर असर आ चुका है। तो वहाँ हार्ट अटैक इतना सीवियर मासिव हुआ कि हॉस्पिटल जाने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। तो अगर वो 35 साल की बजाय 45 साल की उम्र में सीईओ बनते तो शायद अपने परिवार समाज को ज़्यादा दे सकते थे, लेकिन तनाव के कारण इतना उनके स्वास्थ्य पर असर आया। तो अगर हम अटेंशन रखते हैं तो हम तनाव से मुक्त रह करके भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। हम अपने तनाव के लिए ज़्यादातर दूसरों को ज़िम्मेवार ठहराते हैं। अदर पीपल सिचुएशंस एंड इवेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर माय स्ट्रेस। ज़्यादातर हमारा रीज़न ये होता है। अगर हम जैसे अभी हमने आपसे पूछा आपके तनाव के कारण क्या है, तो ऐसे 400 लोगों के ऊपर वो सर्वे किया गया, 80% लोगों ने दूसरों को ज़िम्मेवार ठहराया। तो जब हम दूसरों को ज़िम्मेवार ठहराते हैं, एक सास थी, उसको पूछा गया आपका ब्लड प्रेशर क्यों हाई हो जाता है, तो उसने कहा कि मेरी बहू के कारण, मैं जैसा चाहती हूँ वो ऐसा नहीं करती हैं और ये मेरा सामना करती हैं, इस कारण मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। और जब बहू को पूछा गया उसको सिरदर्द हो जाता था, तो उसने कहा मेरी सास के कारण, क्योंकि वो मेरे हर काम में कमी निकालती है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मुझे सिरदर्द हो जाता है। वर्क प्लेस पर मैनेजमेंट को पूछा गया तो मैनेजमेंट ने कहा वर्कर्स के कारण, एम्प्लॉयज़ के कारण, काम नहीं करना चाहते, मांगे बहुत ज़्यादा होती हैं,
अगर इनकी मांगे पूरी नहीं करो तो यूनियन बनाते हैं, हड़ताल भी कर देते हैं। लोगों से काम कराना कितना मुश्किल है आज के ज़माने में। जब वर्कर्स को पूछा गया तो क्या कहा? मैनेजमेंट के कारण। मैनेजमेंट काम तो बहुत लेना चाहती है, लेकिन जो सुविधाएं, वेतन हमें मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है ना। माता पिता को पूछा तो बच्चों के कारण, बच्चों को पूछो तो माता पिता के कारण। तो हर एक की उंगली किसकी ओर है? दूसरे की ओर। अगर एक उंगली दूसरे की ओर है तो तीन उंगली मेरी खुद की ओर। अगर एक कमी सामने वाले में है तो पहले तीन कमी किस में है? हु नीड्स टू चेंज फर्स्ट? हाँ, पहले तो मुझे बदलना चाहिए। लेकिन हम क्या सोचते हैं? मैं बिल्कुल सही हूँ, मैं जो कर रही हूँ, मैं जो सोच रही हूँ वो राइट है, दूसरे को बदल जाना चाहिए। सास हमेशा सोचेगी बहू को मेरे अनुसार चलना चाहिए, मैं अनुभवी हूँ। बहू क्या सोचेगी? सास को आज के ज़माने को समझना चाहिए, है ना, उसे मुझे समझकर चलना चाहिए। तो हमेशा बॉस वर्कर्स के लिए सोचेंगे, वर्कर्स बॉस के लिए, मैनेजमेंट के लिए सोचेंगे। मैनेजमेंट को चेंज होना चाहिए, सिस्टम को चेंज होना चाहिए, यहाँ तक कि गवर्नमेंट को चेंज होना चाहिए। हम जो भी सोचते हैं दूसरों को ही चेंज होने का सोचते हैं, कभी भी ये नहीं सोचते कि हमें कहाँ चेंज करने की ज़रूरत है। तो यहाँ स्पिरिचुअलिटी हमें मदद करती है। स्पिरिचुअलिटी हमें सिखाती है सेल्फ चेंज लीड्स टू वर्ल्ड चेंज। हम बदलेंगे तो जग बदलेगा, हम बदलते हैं तो दूसरों को बदलने की प्रेरणा मिलती है, हमें कहना भी नहीं पड़ता है। एक बार एक युगल, मतलब हस्बैंड वाइफ ट्रांसफ़र होकर के दूसरे शहर में गए और वहाँ वो एक फ्लैट में रहने लगे। आजकल अपार्टमेंट्स होते हैं, मल्टी स्टोरीज होती हैं, आमने सामने फ्लैट्स बने हुए होते हैं। तो ऐसे ही कुछ उनका फ्लैट था, तो बालकनी में बैठकर शाम को चाय पी रहे थे तो देखा सामने वाले फ्लैट की जो लेडी हैं वो कपड़े सुखा रही थी। तो ये बहन को कमेंट करने की आदत थी, तो उसने जब देखा तो उसको लगा कपड़े साफ़ नहीं धुले हुए हैं। तो उसने अपने पति से कहा कि देखो कपड़े कैसे धोए हैं। तो पति ने कुछ नहीं कहा। फिर दूसरे दिन भी ऐसे ही था, जब वो शाम को चाय पीने बैठे बालकनी में तो उसका शायद कपड़े धोने का टाइम होता था, वो फिर से कपड़े सुखा रही थी। तो देखा आज भी कपड़े साफ़ नहीं धुले हुए हैं, तो उसने फिर कमेंट किया कि लगता है इसके पास अच्छा सर्फ नहीं है। हाँ, फिर भी पति ने कुछ नहीं कहा। फिर तीसरे दिन वो चाय पी रहे थे, आज भी वो कपड़े सुखा रही थी, लेकिन आज उसे लगा कि कपड़े साफ़ धुले हुए हैं। तो उसने वही फिर कमेंट किया कि आज तो इसने साफ़ कपड़े धोए, लगता है इसने अपना सर्फ चेंज कर लिया है। तो पति ने कहा कि नहीं, आज मैंने बालकनी का शीशा साफ़ कर दिया है। अब बताइए कमी कहाँ थी और दिखाई कहाँ दे रही थी। तो जीवन भर हम भी यही करते रहते हैं, दूसरों की कमियाँ देखते रहते हैं, हमारी कमी कहाँ है हम कभी समझ नहीं पाते हैं। तो अगर हमें तनाव मुक्त होना है तो हमें आत्मनिरीक्षण की भी आदत डालनी है। फिर हम कार्य को जिम्मेवार ठहराते हैं, हम बहुत अधिक व्यस्त रहते हैं। आज का समय ही ऐसा है कि सारा दिन मनुष्य कार्य में व्यस्त रहते हैं और कार्य की व्यस्तता तनाव पैदा करती है, क्योंकि हमारे पास अपने लिए समय नहीं, अपने परिवार के लिए समय नहीं। लेकिन कई बार देखा गया कि काम से ज़्यादा हम किस भावना से काम करते हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यदि हम अपने काम को पसंद करते हैं, दिल से करते हैं, रुचि से करते हैं, वही काम हमें खुशी देता है। लेकिन यदि हम काम पसंद नहीं करते और हमें मजबूरी से कराया जाता है, हम करना नहीं चाहते, तो फिर वो थोड़ा काम भी तनाव पैदा करता है। तो हम पहले अपने आप को चेक करें, क्या हम जो कर रहे हैं वो मुझे पसंद है? और यदि मुझे वो पसंद नहीं है, हम अपने काम को चेंज कर सकते हैं तो चेंज कर दीजिए, पर हमेशा ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। कई बार हमें वो करना पड़ता है जो हमें पसंद नहीं है। देन लर्न टू लव योर वर्क, जो भी कर रहे हैं उसे प्रेम से करना सीख लीजिए, तो वो काम आपको तनाव पैदा नहीं करेगा। फिर हम ये भी देखते हैं कई बार आजकल जो कॉरपोरेट्स हैं वो वर्कर्स को डेडलाइंस देते हैं और इस समय तक कार्य पूरा हो जाना चाहिए, तो वो दबाव होता है क्योंकि कंपनी चाहती है समय पर काम पूरा हो, हमें प्रॉफिट हो, कंपनी लॉस में नहीं जानी चाहिए। लेकिन वो दबाव यदि हम सकारात्मक रूप से लेते हैं तो वो हमारी कार्य क्षमता को बढ़ा देता है। अगर हम व्यवस्थित रूप से अपना काम करते हैं तो हम ज़रूर डेडलाइंस को पूरा कर पाते हैं। एक बार ऐसे ही एक बिजनेसमैन थे,
उनको कोई भी वारिस नहीं था, तो वो चाहते थे कि मेरे बाद मेरा बिजनेस कोई संभाल पाए, इसके लिए मुझे कोई योग्य व्यक्ति चाहिए। तो उन्होंने पेपर में एडवर्टाइजमेंट दिया, कहा कि मेरे घर के बाहर जो स्विमिंग पूल है उससे एक कोने से दूसरे कोने तक जो पार करेगा उसे 5 लाख इनाम मिलेगा और मेरे बिजनेस में भी वो पार्टनर होगा। तो बहुत अच्छी ऑफर थी और शर्त तो कोई कठिन नहीं थी। बहुत सारे युवक आए पर देखा कि वो पूल में तो बहुत सांप हैं। उस पूल को एक किनारे से दूसरे किनारे तक पार करना आसान नहीं है, तो सब सोच रहे थे, खड़े थे, कोई कूद नहीं रहा था उसके अंदर। अचानक एक युवक कूदा और मुश्किल से सांपों से बचते हुए तालाब के दूसरे किनारे पर बाहर आ गया। बिजनेसमैन वहीं खड़े थे और उन्होंने उनको शाबाशी दी, कहा बेटा मुझे ऐसा ही साहसी व्यक्ति चाहिए था मेरे बिजनेस के लिए, शर्त के मुताबिक तुमको मैं 5 लाख अभी देता हूँ और फिर तुम मेरे बिजनेस में भागीदार हो। तो उसने कहा ना तो मुझे आपके 5 लाख चाहिए ना मुझे आपका बिजनेस चाहिए, मुझे पहले उसको ढूंढने दो जिसने मुझे इस पूल में धक्का दिया है। अब प्रेशर तो पसंद नहीं आया, लेकिन उस प्रेशर ने उससे वो करवा लिया जो वो नहीं जानता था कि वो क्षमता उसके अंदर है। तो कई बार थोड़ा प्रेशर हमारे लिए लाभदायक होता है और हमारी आंतरिक क्षमताओं को वो जागृत कर देता है। अपने तनाव को कम करने के लिए हम जो तरीके अपनाते हैं, मेथड्स जो हम यूज़ करते हैं, वो मेथड्स, आप कौन से मेथड्स अपनाते हैं, शेयर करेंगे? स्पोर्ट्स एक्टिविटी और म्यूज़िक, ट्रैवलिंग, हम पार्टीज़ में जाते हैं, क्लब्स में जाते हैं, रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, डाइट चेंज करते हैं, जॉगिंग करना या जिम में जाना, गेम्स खेलना, ये हमारे तनाव को कम करता है। फिर कुछ लोग अनहेल्दी तरीके भी अपनाते हैं, शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, ड्रग्स लेते हैं, सिनेमा देखते हैं, जो भी हम मनोरंजन के साधन अपनाते हैं वो हमारे तनाव को अवश्य कम करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कम करते हैं। हम उतना समय बहुत रिलैक्स फील करते हैं, हमें लगता है हमारा तनाव बिल्कुल दूर हो गया, लेकिन जब वो मनोरंजन समाप्त होता है वही समस्या हमारे सामने फिर से होती है, फिर से तनाव शुरू हो जाता है। तो दीज आर नॉट द रियल रेमेडीज़ फॉर स्ट्रेस। हाँ, ज़रूर हमें टेम्परेरी रिलीफ मिलता है, जैसे हम कहेंगे बुखार हुआ है तो डॉक्टर हमें दो तरह की दवाई देते हैं, एक सिम्टोमेटिक रिलीफ की देते हैं जो क्रोसिन होती है, पैरासिटामॉल होती है कि आप ये खाएंगे तो 4 घंटे 6 घंटे आपका बुखार उतर जाएगा, लेकिन वो दवाई बीमारी के जर्म्स को ख़त्म नहीं करेगी। उसके लिए एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं जो बीमारी के जर्म्स को समाप्त करती हैं। तो यहाँ भी हाँ, ये टेम्परेरी रिलीफ है, सिम्टोमेटिक रिलीफ है, थोड़ा समय तनाव आया, हमने एंटरटेनमेंट किया, हमारा तनाव दूर हो गया, लेकिन वो तनाव का जो रियल कॉज है उसको वो समाप्त नहीं कर पाते हैं और इसीलिए फिर से हम समस्या में तनाव पैदा करने लगते हैं। देन व्हाट इज़ द रियल रेमेडी फॉर स्ट्रेस? एक्चुअली दूसरे स्लाइड्स हैं। तो जो स्ट्रेस का कारण है वो हमारे सोचने के तरीके में है। किसी भी परिस्थिति में हम जिस दिशा में सोचते हैं उसी से हमें तनाव होता है। ज़्यादातर तनाव उत्पन्न करने वाली परिस्थितियों में हम या तो नेगेटिव सोचते हैं, इसमें हमारी हानि क्या हो जाएगी वो हम सोचते हैं, यानी बुरा सोचना आसान होता है वो हम सोचते हैं और वैसा ही हम फील करते हैं, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा हम फील करते हैं। हम पॉजिटिव भी सोच सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम किसी भी परिस्थिति में नेगेटिव सोचें। अभी आपके सेशंस हो रहे हैं सारे इस पॉजिटिव थिंकिंग पर ही हो रहे हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड पर ही हो रहे हैं। तो डिपेंड करता है कि किसी भी परिस्थिति को रिस्पॉन्स करने की मेरी चॉइस क्या है। मानो आप ऑफिस में जाते हैं और दो लोगों से, ऑफिस के स्टाफ में दो लोगों से गलती होती है और बॉस उन्हें अपने केबिन में बुलाते हैं। जो पहला एम्प्लॉय बुलाया गया उसके सामने वो गलती रखी गई तो उसने उसे एक्सेप्ट कर लिया कि ओके सर ये मेरी गलती है, और
फ्यूचर में आपको मेरे से शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, मैं ध्यान रखूँगा। बात वहीं ख़त्म हो गई और बॉस भी उनसे नाराज़ नहीं होते। जब दूसरा एम्प्लॉय आया तो उसके सामने भी गलती रखी गई, पर वो उसे मानता नहीं है कि मेरी गलती है। वो सिद्ध करने लग जाता है, ऐसा क्यों हुआ, या आप हमेशा ही मुझे ब्लेम करते हैं। बहुत डिबेट करना शुरू कर दिया। अब क्या स्थिति बनी, जो ऑफिसर हैं वो नाराज़ हो गए, और वो नाराज़गी कई दिनों तक चलती है, जो तनाव पैदा करती हैं जब तक कि फिर से अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो। अब स्थिति एक जैसी ही है, परिस्थिति दो व्यक्तियों के सामने एक जैसी ही है, लेकिन दोनों का रिस्पॉन्स करने का तरीका अलग अलग, तो फीलिंग्स भी उनके अलग अलग हुए। ऐसे ही हम में से कितने लोग एक जैसी परिस्थितियों से गुजरते हैं, लेकिन हर एक का रिस्पॉन्स अलग अलग होता है, क्योंकि हर एक का सोचने का तरीका बिल्कुल अलग अलग होता है। आप ट्रैफिक में जाते हैं, मानो ट्रैफिक में शहर में हैं, किसी ने आपकी गाड़ी लगा दी, तो दोनों की गाड़ी लगी, लेकिन एक सोचता है चलो हो जाता है कभी, आगे से ध्यान दे करके गाड़ी चलाएंगे, कुछ कहते नहीं, चुपचाप आगे निकल जाते हैं। लेकिन जो दूसरा गाड़ी में है वहीं गालियां देना शुरू कर देता है, दरवाज़ा खोल के बाहर, और जितना चिल्ला सकते हैं गुस्से में उतना चिल्लाते हैं। एक ही जैसी सिचुएशन दोनों के साथ पैदा हुई, एक टेंशन पैदा कर रहा है अपनी थिंकिंग की वजह से, और दूसरा उसी बात को बहुत सरलता से ले लिया और निकल गए, उसको पार कर गए। ऐसे ही जब हम तनाव में होते हैं तब हमारे शरीर में भी कुछ लक्षण उसी की वजह से पैदा होते हैं, क्योंकि मन और शरीर का गहरा संबंध है, जैसे हमने बात की। तो एक बार एक प्रोफेसर थे, वो नकली दांत लगाते थे, और एक दिन उनका ध्यान गया कि मेरा दांत नहीं है। तो उन्होंने सोचा दांत कहाँ गया होगा, मैंने अभी भोजन किया है, कहीं दांत मैंने निगल तो नहीं लिया है। तो जैसे ही उनको ये ख्याल आया कि कहीं मैंने दांत निगल तो नहीं लिया है, कोई भी नेगेटिव थॉट एक बार आ जाता है तो फिर वो बार बार, है ना, उसका रिपीटेशन होता है, इतना जल्दी आप उससे फ्री नहीं हो पाते हैं। तो वो बार बार उनके मन में चलने लगा कि कहीं मैंने दांत निगल तो नहीं लिया है, तो फिर सचमुच उनको घबराहट होने लगी और अनकंफर्टेबल वो फील करने लगे। तो उन्हें सोचा हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, पेट में भी हल्का दर्द महसूस होने लगा। हॉस्पिटल गए डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर ने कहा कि देखो, हम जब तक एक्सरे नहीं करेंगे तब तक हम नहीं कह सकते कि दांत आपके पेट में है, तो आप एक एक्सरे करा लीजिए। जब वो एक्सरे के लिए जा रहे थे तो उतने में उनकी पत्नी का फ़ोन आया घर से, उनके साथ एक असिस्टेंट थे उनके, उन्होंने फ़ोन लिया और उन्होंने कहा कि आज साहब के साथ ऐसा हो गया है, उन्होंने अपना दांत निगल लिया है, हम यहाँ एक्सरे कराने आए हैं। तो पत्नी ने कहा क्या बात करते हो, दांत तो वो घर में टेबल पर भूल गए हैं। तो जैसे ही उनको पता चला कि दांत पेट में नहीं है, घर में टेबल पर है, तुरंत उनका दर्द घबराहट सब ठीक। तो जो बार बार थॉट किया वही थॉट का असर हमारे शरीर पर आ गया। तो अगर हम बहुत सोचते हैं छोटी सी बीमारी में, मैं बीमार हूँ, मेरी बीमारी ऐसी है, अगर हम ज़्यादा सोचते हैं तो बीमारी बड़ा रूप लेती है। और यदि बीमारी पर हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते लेकिन जो इलाज करवाना है वो कराते हैं, तो हम जल्दी स्वस्थ हो जाते हैं। लेकिन जो विचारों का परिवर्तन है, वो परिवर्तन लाना, कहना जितना आसान है करना शायद उतना सहज नहीं है, क्योंकि मन सूक्ष्म है। आपने सुना मन की गति बहुत तेज है, एक सेकंड में मन कहाँ से कहाँ जाता है। इस हाथ को मैं ऊपर नीचे करना चाहूँ ये मेरे कंट्रोल में है, लेकिन मेरे मन को जो दिशा मैं देना चाहूँ, क्या हम इतनी ही आसानी से दिशा दे सकते हैं। हाँ, हम सोचे नहीं मुझे सकारात्मक ही सोचना है, मेरे आशावादी विचार ही होने चाहिए, तो क्या हम ऐसा आसानी से कर पाएंगे नहीं। तो इसीलिए हमें मन को अभ्यास देना होता है, और वो अभ्यास है मेडिटेशन। जब हम अपने आप को समय देते हैं तब हम समझ पाते हैं कि मेरे मन के विचार किस दिशा में जा रहे हैं और मुझे कहाँ परिवर्तन लाना है। स्ट्रेस कम करने के लिए या तो हम अपने प्रेशर्स को कम करें या फिर हम अपनी कोपिंग एबिलिटी को बढ़ाएं। प्रेशर्स हम नहीं कम कर सकते क्योंकि प्रेशर्स हमसे पूछ कर नहीं आते, कोई भी प्रॉब्लम उससे पूछ कर नहीं आती है कि मैं आऊँ या नहीं आऊँ। हाँ, जीवन बहुत सुख से बीत रही है और अचानक ही कोई समस्या पैदा हो जाती है,
हमें उसका सामना करना ही पड़ता है। तो परिस्थितियों के प्रति सामना करने की शक्ति यानी कोपिंग एबिलिटी या उसके प्रति धैर्य, शांति, आत्मविश्वास, कंट्रोलिंग पावर, ये हम बढ़ा सकते हैं। ये हमारी इनर पावर्स हैं, ये हमें बाहर से नहीं मिलती हैं। उसके लिए हमें कोई इनर एफर्ट्स ही करने पड़ेंगे और वो एफर्ट मेडिटेशन है। तो आप मेडिटेशन सीख रहे हैं और विस्तार से आप समझेंगे आने वाले सेशंस में, लेकिन संक्षिप्त में राजयोग के दो चरण हैं। पहला है सेल्फ रियलाइजेशन, हम आत्मचिंतन करते हैं, आत्मनिरीक्षण करते हैं, तो हमें समझ में आ जाता है मेरी कमी कहाँ है, मुझे कहाँ परिवर्तन लाना है, मेरी समस्या कहाँ है। जैसे ही हमें ये समझ में आता है, हमारा आधा तनाव वहीं कम हो जाता है। और हम योग में ये भी समझते हैं, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ, मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूँ। तो मेरा ये निजी स्वभाव है, इस स्वभाव के विपरीत हम कहाँ जा रहे हैं। तो सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ एनालिसिस से ट्रांसफॉर्मेशन होने लगती है। और दूसरा चरण है परमात्मा के साथ संबंध, कनेक्शन विद सुप्रीम, उससे पावर्स हमारे में फ्लो होती हैं। तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, मनोबल बढ़ता है, और विपरीत परिस्थिति हमें खेल की तरह लगती है। जैसे खेल खेलने में मज़ा आता है ना, खेल में कभी भी कितना भी कठिन खेल क्यों ना हो, लेकिन फिर भी हम खेल को एंजॉय करते हैं, वो एंटरटेनमेंट है। ऐसे ही अगर परिस्थिति को भी हम खेल की तरह देखें, यानी हम उसको ओवर पावर करें, तो हमें स्ट्रेस नहीं होगा। और वो स्थिति तब होती है जब हमारी मानसिक स्थिति इतनी ऊंची हो, यानी हमारा मनोबल इतना ऊंचा हो। और ये भी देखा गया कि जब हम मेडिटेशन करते हैं, तब हमारे शरीर में कुछ केमिकल्स बनते हैं, जैसे स्ट्रेस के समय केमिकल्स बनते हैं, वो केमिकल्स हानिकारक हैं। लेकिन जब हम योग अभ्यास करते हैं, उस समय जो केमिकल्स बनते हैं वो बेनिफिशियल हैं। उसमें एंडोर्फिन्स, एनकेफेलिन्स, सेरोटोनिन्स बनते हैं, जो हमारी हार्ट रेट को कम करते हैं, ब्लड प्रेशर को कम करते हैं, मेटाबॉलिज्म को कम करते हैं, कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं, और हमारे सभी अंग एक संतुलन में काम करने लगते हैं। यानी हम मन से स्वस्थ होते हैं, तन से भी स्वस्थ होते हैं। इसीलिए आज योग लोकप्रिय हो रहा है। आज स्पोर्ट्स में भी मेडिटेशन करने की सलाह देते हैं, क्योंकि सबसे पहले मन स्वस्थ होना चाहिए। मन स्वस्थ है, मन सकारात्मक है, मन शक्तिशाली है, तो फिर उसका प्रभाव हमारे तन पर आता है। पहले कहते थे हेल्दी माइंड इन ए हेल्दी बॉडी, हम कहेंगे आज अ हेल्दी माइंड फॉर ए हेल्दी बॉडी। हेल्दी बॉडी चाहिए, फिटनेस भी तो चाहिए ना। तो फिटनेस के लिए भले हम फिजिकल एक्सरसाइजेस करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारा मन भी स्वस्थ हो। तो योग हमें दोनों तरह से लाभ पहुंचाता है। अब हमारी व्यक्तिगत लाइफ या वर्क प्लेस की लाइफ या पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ, इन तीनों ही लाइफ में तीन बातें हमारे सामने आती हैं, रोल्स, रूटीन्स एंड रिलेशनशिप्स। हम सभी कोई ना कोई रोल्स प्ले कर रहे हैं, हम सभी कोई ना कोई कार्य करते हैं, और उस कार्य का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। मानो हम अफसर हैं, सारा दिन हमें लोगों से काम कराना होता है, 8 घंटे हम काम करा रहे हैं, उसके लिए हम ऑफिशियल बने रहते हैं। अब 8 घंटे के बाद जब हम घर लौटते हैं, तो घर में ऑफिसर नहीं है, घर में पति हैं, पुत्र हैं या पिता हैं, जो भी रोल है वो चेंज हो जाता है। लेकिन हम अपने रोल से अपने आप को डिटैच नहीं कर पाते। घर वालों को हमसे स्नेह चाहिए, अपनापन चाहिए, वो हम नहीं दे पाते। तो हमारा वो ऑफिस का तनाव जो घर आ गया है, वो घर वालों को संतुष्ट नहीं कर पाता, तो वो घर में तनाव आ जाता है। ऐसे ही मानो आप ऑफिसर नहीं है, वर्कर हैं, लोगों के सामने काम करना है, कोई कुछ कहते हैं सुनना भी पड़ता है, कुछ कह नहीं सकते, भविष्य पर उसका असर आ सकता है, तो गुस्से को पी लेते हैं। लेकिन घर आते हैं तो गुस्सा निकाल सकते हैं। तो जो भी सामने आता है, चाहे बच्चे सामने आते हैं, पत्नी सामने आती है, माँ सामने आती है, उसके ऊपर गुस्सा निकालते हैं। यहाँ भी ऑफिस का तनाव
घर में ले आए। कई बार लोग घर का तनाव ऑफिस में ले जाते हैं। तो जहाँ हमारा जो रोल है हम प्ले नहीं कर पा रहे, बैलेंस नहीं कर पा रहे अपनी लाइफ को, तो टेंशन को ट्रांसफ़र कर रहे हैं इधर से उधर। लेकिन यहाँ भी योग, स्पिरिचुअलिटी हमें मदद करती है। आपने समझा कि हम जो रोल प्ले कर रहे हैं वो हम नहीं हैं, ये तो संसार में कर्म करने के लिए हमें मिला है, हम आत्मा हैं जो शरीर के माध्यम से रोल प्ले कर रही है। तो जैसे ही हम अपने सेल्फ में आते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन में आते हैं, अपने रोल से रिटैच होना हमारे लिए आसान हो जाता है। और जहाँ हमें जैसा रोल प्ले करना है वैसा हम प्ले कर पाते हैं। एक बार एक स्थान पर रामलीला चल रही थी, वहाँ पर हनुमान का रोल प्ले करने वाला नहीं आया था। तो मैनेजर ने देखा कि बहुत पब्लिक आ गई है, मुझे शुरू करवा देना चाहिए। तो उसने एक वर्कर को बुलाया, कहा कि देखो तुम हनुमान का ड्रेस पहन करके आ जाओ, रावण की दरबार लगी हुई होगी, वो रावण तुमसे पूछेगा तुम कौन, तो तुम जवाब देना मैं श्री राम भक्त हनुमान, तुम्हें सिर्फ इतना ही करना है, उसके बाद हम संभाल लेंगे। उसने कहा ठीक है। उसने हनुमान का ड्रेस पहना, वो आ गया स्टेज पर। अब रावण का रोल होता है वो तो बहुत चिल्ला कर बोलता है तुम कौन। वो बेचारे ने पहले कभी एक्टिंग नहीं की थी, और रावण ने जैसे ही उसके ऊपर ज़ोर से चिल्लाया वो घबरा गया और उसने कहा मैं रामलाल रिक्शा वाला। तो यहाँ भी ऐसे ही होता है कि जब हम टेंशन में होते हैं तब हमें अपना रोल जैसे प्ले करना चाहिए वैसे हम नहीं कर पाते हैं। तनाव कम करने के लिए हमारी दिनचर्या भी व्यवस्थित होनी चाहिए, यानी समय से सोना, समय से उठना, समय से कार्य करना। जितना हम व्यवस्थित चलते हैं अपने जीवन में, वेल मैनेज्ड जितना होते हैं उतना हम तनाव कम महसूस करते हैं। लेकिन आज की जो लाइफस्टाइल है, सारा दिन हम कार्य करते हैं, थक कर घर लौटते हैं, रिलैक्स होना चाहते हैं, क्या करते हैं रिलैक्स होने के लिए, क्या करते हैं, टीवी देखते हैं। अब टीवी में मानो आप न्यूज़ देख रहे हैं। हाँ, न्यूज़ जो है वो इस दुनिया की जो सबसे बुरी खबर होती है वो मीडिया की सबसे अच्छी खबर होती है, और एक बार नहीं कितनी बार वो रिपीट होती है। अब आप ऐसी खबर देख रहे हैं, आपका तनाव कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा? हाँ, बहनें सीरियल देखती हैं मानो, भाई न्यूज़ ज़्यादा देखते हैं, बहनें सीरियल ज़्यादा देखती हैं। जब आप सीरियल देखते हैं तो क्या आपको स्वस्थ मनोरंजन मिलता है, या आपकी भावनाओं को वो सीरियल और दूषित कर देते हैं? और जो टीवी के सामने बैठे हैं वो देर रात तक टीवी के सामने होते हैं। चलो आप स्पोर्ट्स से आए हैं तो कुछ लोग स्पोर्ट्स भी देखते हैं टीवी में, तो मेरी मनपसंद टीम जीत रही है तो ठीक है, और अगर हार रही है तो उसके साथ ही क्या होता है, हमारा भी ब्लड प्रेशर ऊपर होता है या नीचे होता है। अभी हुआ ना भारत पाकिस्तान का क्रिकेट मैच हुआ, तो भारत जीत गया तो पाकिस्तान में कितने लोगों ने टीवी तोड़ दिए। हाँ, स्ट्रेस हो जाता है उनके जीतने का, और अगर वो जीत जाते तो हमारे यहाँ टीवी टूट जाते, ऐसे ही होता है। तो खेलों को भी हम साक्षी भाव से नहीं देखते हैं, हाँ वो भावनात्मक प्रभाव हमारे ऊपर आ जाता है। और अगर देर रात सोते हैं तो फिर सुबह देर से ही उठते हैं, ये आज की लाइफस्टाइल है, देर से सोना देर से उठना। कहावत है अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक ए पर्सन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, और अगर लेट टू बेड लेट टू राइज है तो हम समझ सकते हैं। आप में से किसी ने कहा हमें सुबह सुबह ऑफिस जाना होता है, बहुत काम निपटाना होता है, हरी वरी एंड करी दिनचर्या शुरू होती है ऐसे जल्दबाजी में, बहुत सारे काम हैं सब निपटाने हैं, एक साथ कई काम शुरू कर देते हैं, एक भी काम सही तरीके से पूरा नहीं कर पाते, दिन ही तनाव से शुरू होता है। फिर सारे दिन छोटी छोटी बात में हम चिढ़ते हैं, गुस्से में आते हैं, क्योंकि हमने अपनी दिनचर्या को ही इस तरह से प्रारंभ किया। तो जितना हम व्यवस्थित रहेंगे अपने डेली रूटीन में उतना हमें तनाव कम होगा। संबंध, हम संबंधों में रहते हैं और अगर हमारे संबंध मधुर हैं तो वो हमारे तनाव को कम करते हैं, क्योंकि संबंधों में हम सुख दुख बांटते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को हम शेयर करते हैं, और कहते हैं दुख बांटने से आधा हो जाता है। यदि मैंने अपनी प्रॉब्लम किसी से शेयर की, वो अपने एक्सपीरियंस से हमें कुछ गाइड करते हैं और हमारा मन हल्का हो जाता है। ये देखा गया कि यहाँ तक जो लोग अपने पेट से बातें करते हैं,
हाँ, उसका भी प्रभाव पड़ता है। एक बार अमेरिका में ऐसे ही, क्योंकि विदेशों में लोग लगभग पेट्स रखते हैं, 90% घरों में वहाँ पेट्स होते हैं, इंडिया में 90% घरों में नहीं होते हैं। तो वहाँ एक स्टडी की गई कि जो अपने पेट से बातें करते हैं उनको हार्ट की बीमारी बहुत कम होती है। तो फिर ये जानने की कोशिश की गई इसका क्या कारण है। तो उन्होंने पूछा उनको कि आप अपने पेट से क्यों बातें करते हैं, आपके घर में आपकी पत्नी हैं, बच्चे हैं, आपके दोस्त हैं, उनसे बातें करिए। तो उन्होंने कहा कि ये पेट चुपचाप सुनते हैं, हाँ, इनका हमें नहीं सुनना पड़ता लेकिन अगर हम किसी मनुष्य से बात करेंगे तो उसका भी सुनना पड़ता है, हम सुनना नहीं चाहते, सिर्फ सुनाना चाहते हैं। तो अगर किसी पेट को भी सुना दिया तो भी उसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिले। तो शेयरिंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। यहाँ आप मेडिटेशन में सीख रहे हैं कि मनुष्य के साथ ही शेयर नहीं कर सकते, हम भगवान के साथ भी शेयर कर सकते हैं। सीख रहे हैं ना मेडिटेशन में, हाउ कैन वी टॉक टू गॉड। तो अगर हम भगवान से भी अपने दिल की बात करते हैं, अपनी परेशानी उनके सामने रखते हैं, अपनी समस्याएं उनको अर्पण कर देते हैं, जैसे अभी गीत बजा था, जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम, हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम, ना। तो ये संबंध भी हमारे जीवन में उतना ही महत्वपूर्ण है कि यदि हम अपने प्रॉब्लम्स उस संबंध को अर्पण कर देते हैं, ईश्वर को अर्पण कर देते हैं, तो हमारा तनाव तुरंत दूर हो जाता है, क्योंकि ईश्वर हमें वो शक्ति भी देते हैं। फिर कई बार ये देखने में आता है कि संबंधों में कुछ नेगेटिव बातें आ जाती हैं जो तनाव कम करने की बजाय हमारे तनाव को बढ़ा देती हैं। एक्सपेक्टेशंस, बहुत अपेक्षाएं करते हैं आपसी संबंधों में, मेरी पत्नी है इसे मेरे लिए ये सब करना ही चाहिए, या पत्नी सोचती है पति की मेरे प्रति ये जिम्मेवारी है उसको ये सब करना है, या मेरा बेटा है इसको मेरा कहना मानना ही चाहिए। किसी दूसरे के बेटे को आपने कोई बात कही, उसने आपकी बात नहीं मानी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो मेरा बेटा नहीं है, लेकिन अगर मेरे बेटे ने मेरी बात नहीं मानी तो मुझे बहुत दुख होता है। तो क्योंकि वहाँ मैंने बहुत अपेक्षा रखी। समीप संबंधों में हमारी अपेक्षाएँ बहुत ज़्यादा होती हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमारी अपेक्षाएँ पूरी हों, क्योंकि हर व्यक्ति का व्यक्तित्व, भावनाएँ, विचार अलग अलग होते हैं। जैसा आप सोच रहे हैं ज़रूरी नहीं है कि वो भी वैसा ही सोचें। तो हमें दूसरे की भावनाओं को भी समझने का प्रयास करना चाहिए, हमें अपने को दूसरे की स्थिति में रखकर देखना चाहिए कि अगर हम उस स्थिति में हों तो हम क्या मानेंगे या हम करेंगे। एक बार एक भाई हमारे पास आए, उन्होंने कहा कि बहन जी मुझे हार्ट अटैक हुआ है और मुझे पता है इसका कारण क्या है। मेरे माता पिता का देहांत हुआ, मेरे भाई बहन छोटे थे, मैंने उनकी परवरिश की, आज वो सब बहुत अच्छी स्थिति में, बहुत अच्छा कमाते हैं। अब स्थिति है कि मुझे उनके सहयोग की ज़रूरत है और वो सहयोग देना तो दूर, मेरा एहसान भी नहीं मानते कि मैंने उनके लिए कुछ किया, मुझे बहुत दुख होता है। और डॉक्टर कहते हैं कि तुम सोचो मत, सोचोगे तो दोबारा हार्ट अटैक हो जाएगा। हाँ, तो क्या करना चाहिए, सोचना चाहिए नहीं सोचना चाहिए, क्या करना चाहिए? हाँ, वैसे तो नहीं सोचना चाहिए, पर व्यावहारिक जीवन में ये इतना आसान नहीं होता है। हम सोचते हैं इनको आवश्यकता थी तो हमने इतना इनके लिए किया, आज हमारा समय आया तो हमको धोखा मिला। तो हमेशा हम जो भी कर्तव्य किसी के प्रति करते हैं, हाँ ज़रूर उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन किया, वो हम निस्वार्थ भाव से करें, शायद ये इतना आसान नहीं है। इसके लिए गीता हमें समझाती है कि निष्काम भाव से अपना कर्म करें। तो हम अगर संबंधों में निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्य करते हैं, ज़्यादा अपेक्षाएं नहीं रखते हैं, तो फिर हमें बहुत तनाव नहीं होता, क्योंकि वो अपेक्षाएं हमारी हमेशा पूरी हों ये कोई आवश्यक नहीं है। कई बार हम बहुत अनुमान लगाते हैं संबंधों में दूसरों के बारे में। हम एक एग्जाम्पल देना चाहेंगे आपको, एक एक्सरसाइज की तरह है, आप ध्यान से सुनेंगे। एक कमरे में मनोज लेटा हुआ है, उसकी आंखें खुली हैं, कमरे में और कोई नहीं है या घर में कोई नहीं है, खिड़की खुली है, वहाँ से एक चोर आता है और अलमारी खोल करके जो भी वैल्यूबल्स हैं, जो भी पैसा है और भी वैल्यूबल्स थे उसके अंदर, वो सब लेकर चला जाता है और मनोज उसे कुछ नहीं कहता है और वो पुलिस को भी इन्फॉर्म नहीं करता है।
वो ऐसा क्यों करता है? आप आंसर करेंगे वो जी, वो उसका रूम नहीं, उसका घर नहीं है। चलो दूसरे के घर में चोरी हो जाए तो मुझे क्या फर्क पड़ता है, सही बात है। वो संबंधी है, चलो संबंध मेरा है या संबंधी का है। हाँ, इतने उदार होते हैं क्या, मेरा संबंधी सब कुछ मेरा ले जाए? वो अंधा है, वो सोया हुआ नहीं, सोया हुआ नहीं है, जागा हुआ है। हाँ, वो एक छोटा बच्चा है, ये जिन्होंने पहले सुना हुआ है। तो वो एक 6 महीने का बच्चा है, लेकिन जैसे ही हम अनुमान लगाने लगते हैं हम क्या सोचते हैं, हाँ मेरी उम्र का व्यक्ति अगर होता तो वो क्या करता, उसी तरह से हम सोचना शुरू कर देते हैं। दूसरों के बारे में हम इसी तरह से सोचते हैं, हम सोचते हैं हम इतना कार्य कर सकते हैं, हम इतनी मेहनत कर सकते हैं, ये क्यों नहीं कर सकते हैं। हाँ, जैसे सास सोचेगी बहू के लिए, हाँ मैं सारे दिन इतनी मेहनत कर सकती हूँ, ये बहू क्यों नहीं कर सकती है। या वर्कर्स के लिए सोचते हैं ना, एक मैनेजर सोचता है कि ये वर्कर्स क्यों नहीं ऐसा काम कर सकते। लेकिन हमारा अभ्यास, हमारा अनुभव उनसे अलग हो सकता है, हमारी प्रैक्टिस उनसे ज़्यादा हो सकती है। कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। आज देखो एक ओलंपिक में कोई गोल्ड मेडल जीतता है वेट लिफ्टर, वो 500 किलो का वजन उठाता है, हम कितना उठा सकते हैं? अगर हम वेट लिफ्टर नहीं हैं तो हम कितना उठा सकते हैं? और वो क्यों 500 किलो उठा सकता है? हर इंसान तो 500 किलो नहीं उठा सकता, क्योंकि उसने हर दिन वजन उठाने का अभ्यास किया है, तब उसकी उतनी क्षमता विकसित हो गई। तो हर इंसान का स्तर अपना अपना है, उनको हम अपने जैसे जो अनुमान लगा लेते हैं कई बार वो गलत होते हैं। तो इसीलिए संबंधों में हमें अनुमान नहीं लगाना चाहिए। संबंधों में कई बार ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, अहम भाव, ये भी सब नकारात्मक भाव हैं, आ जाते हैं कभी कभी, और ईर्ष्या के कारण भी लोग किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि चिंता चिता के समान है, तो ईर्ष्या भी एक अग्नि है जो दूसरों को जलाती है, दूसरों को नहीं अपने को ही जलाती है। कहते हैं संसार में 3 तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं जो दूसरों को दुखी देखकर दुखी हो जाते हैं, दूसरे होते हैं जो दूसरों को दुखी देख करके सुखी होते हैं, और तीसरे होते हैं जो दूसरों को सुखी देख करके दुखी होते हैं। ईर्ष्या हम कहेंगे दूसरों को सुखी देख करके दुखी हो जाते हैं, यानी दूसरों की जीत हम सहन नहीं कर सकते, या दूसरों की संपन्नता या प्रगति हम सहन नहीं कर सकते, तो जो फीलिंग्स हमें आती हैं उसे हम ईर्ष्या कहेंगे। तो ये अपनी चेकिंग की ज़रूरत है, क्योंकि इससे हमारा ही नुकसान होने वाला है। तो यदि मुझे ईर्ष्या की भावनाएं आती हैं तो परिवर्तन कर देना चाहिए। हमेशा हम शुभ भावना रखें, और यदि हम प्रगति करना चाहते हैं तो फिर हम अपनी एबिलिटीज़ को बढ़ाएं, अपनी योग्यताओं को यदि हम बढ़ाएंगे तो हम भी प्रगति करेंगे। देन वर्क ऑन योर सेल्फ। और कई बार कोई हमारी कमी निकालता है, संबंधों में ये स्वभाव होता है कि किसी के अंदर बहुत गुण होंगे ना, वो हमें नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन एक भी कमी होगी तो उस पर उंगली उठाते हैं। तो यदि कोई हमारी कमी निकालता है तो कहते हैं निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सोई। क्या वो हमारा मित्र हो सकता है, निंदा करने वाला हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि वो हमारी कमी बता रहा है। और यदि सचमुच वो कमी मेरे अंदर है और वो कमी मैंने दूर कर ली, तो चाहे जिस भी फील्ड में हम हैं, चाहे हम स्पोर्ट्स में हैं, चाहे और भी किसी फील्ड में हैं, अगर हम अपनी कमी दूर कर लेंगे तो हमारी प्रोग्रेस होगी। आज लोग पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, काउंसलर के पास जाते हैं, आप मेरी कमी बताइए हम दूर करें ताकि हम सक्सेसफुल हों। उसके लिए वो पैसा लेते हैं, फीस लेते हैं, और आपका क्रिटिक आपको बिना फीस लिए बता रहा है आपकी ये कमी है, इसे दूर कर दीजिए। तो हमें उसका थैंक्स कहना चाहिए, लेकिन कमी बताने वाला तो हमें दुश्मन ही नज़र आता है। यहाँ भी हमें पॉजिटिव थिंकिंग यूज़ करना है। पर कई बार ऐसा होता है कि वो कमी हमारे अंदर नहीं होती है, लेकिन जो दूसरा है वो ईर्ष्या के भाव से या गिराने के भाव से कभी गलत बातें हमारे बारे में प्रचार करते हैं।
और अगर ऐसा है तो हम उसे स्वीकार नहीं करें, जब वो कमी है ही नहीं तो हम उसे मन पर क्यों स्वीकार करें, तो फिर हमें दुख नहीं होगा। कहते हैं नो वन कैन हर्ट यू विदाउट योर परमिशन, अगर हम ना चाहें तो कोई हमें दुख नहीं पहुंचा सकता, ये भी हमारी चॉइस है। अगर हमने एक्सेप्ट कर लिया तो हमें तनाव होगा, तो हमें दुख होगा, और यदि हमने स्वीकार नहीं किया तो उसका हमारे पर कोई प्रभाव नहीं आएगा। एक बार मदर टेरेसा गई, उन्हें अपने उनका मिशन था पेशेंट्स का, वो इलाज करते थे, तो उनको धन चाहिए था, एक बिजनेसमैन के पास गए। जैसे ही बिजनेसमैन को पता चला कि ये किस इंटेंशन से आए हैं, उसने उनको भला बुरा कहना शुरू कर दिया। उसकी इच्छा नहीं थी कि वो उनको कुछ डोनेट करे, उन्होंने सुन लिया चुपचाप। फिर उनको कहा कि अच्छा ये तो आपने मुझे दिया है, आप मेरे पेशेंट्स के लिए क्या दे रहे हैं। तो उसे उनकी बात लग गई कि देखो मैंने इतना कहा इनको, इन्होंने ज़रा भी इसको फील नहीं किया, लेकिन फिर भी इनको अपने पेशेंट्स की चिंता है। तो फिर उन्होंने उनको चेक बना करके दिया। तो अगर वो कमी हमारी नहीं है तो हम उसे स्वीकार ही ना करें, ये सही तरीका है। और हम 3 A's का फॉर्मूला अगर अपना करके चलते हैं तो भी हम अपने तनाव को कम कर सकते हैं, वो हैं अवॉइड, ऑल्टर एंड एक्सेप्ट। इस संसार में सभी समस्याएं या सभी स्थितियों पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है, जिन पर कंट्रोल नहीं है उसे हमें स्वीकार करना पड़ता है। मानो हमारे परिवार में कुछ ऐसे सदस्य हैं जिनके साथ हम रहते हैं और उनका स्वभाव हमारे अनुकूल नहीं है, या हमारे वर्क प्लेस पर या हमारी टीम में कोई ऐसे साथी हैं जो हमारे स्वभाव से या हमारे विचारों से नहीं मिलते हैं। अब हमें उनके साथ ही रहना है, उनके साथ ही कार्य करना है, हमने उनको समझा दिया है, लेकिन फिर भी उनको समझ में नहीं आता। पर यदि हम उनको स्वीकार कर लेते हैं और उनको समझ कर चलते हैं कि ये इनका स्वभाव है, ये ऐसे ही करेंगे, लेकिन मुझे इनको समझ कर चलना है, तो उनके साथ रहने में हमें टेंशन नहीं होगा। नहीं तो फिर हर बात में टेंशन होगा, इनको इतनी बार समझा दिया फिर भी वही गलती करते हैं, फिर भी वैसा ही व्यवहार करते हैं। तो कुछ बातों को स्वीकार करना, जैसे दूसरों की कुछ कमियों को हम स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि हर इंसान परफेक्ट नहीं होता है, या जीवन में कुछ अनहोनी हो जाती है, कभी आज हम देखते हैं अचानक आग लग जाती है, बाढ़ आ जाती है, भूकंप आ जाता है, हर साल कहीं ना कहीं संसार में ऐसी बड़ी दुर्घटनाएं होती हैं और उनसे कितने लोग प्रभावित होते हैं, मानो ऐसा कुछ होता है, तो वो होनी है, जो होनी है वो हो गई, उसको हम नहीं सोचें, उसे स्वीकार कर लें, लेकिन अब भविष्य में उसका क्या समाधान है वो हमें करना है। दूसरा है हम परिवर्तन लाएं, यानी ऑल्टर करें, वो हम स्वयं के व्यक्तित्व में ला सकते हैं। अगर मुझे ये समझ में आता है कि मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है या जल्दी गुस्सा आता है, मेरी बहुत सेंसिटिव नेचर है, मुझे बहुत जल्दी फीलिंग आ जाती है, या मुझ में ईर्ष्या भाव या अहम भाव हैं, तो हम हमेशा स्वयं को बदल सकते हैं। उसके लिए हम कुछ मदद भी ले सकते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान योग हमें मदद करते हैं परिवर्तन होने के लिए, भले उसमें कुछ समय लग सकता है। तो यदि हम अपने व्यक्तित्व में परिवर्तन लाएंगे, ये हमारे कंट्रोल में है, हम अपने तनाव को काफ़ी मैनेज कर सकते हैं। कुछ बातों को हमें अवॉइड करके चलना पड़ता है, ये संसार आज एक ग्लोबल विलेज है, दुनिया के दूसरे कोने में क्या हो रहा है मेरे ड्राइंग रूम में 1 मिनट में पहुंच जाता है, और कई बार वो सब तनाव पैदा करने वाला होता है, तो या तो हम उसे सुने ही नहीं, क्योंकि हम घर बैठे तो कुछ नहीं कर सकते हैं, और यदि हम सुनते हैं तो फिर साक्षी भाव से सुने, ताकि उसका प्रभाव मेरे ऊपर ना पड़े। तो कुछ बातों को अवॉइड, जो दूसरों का तनाव मेरे ऊपर आ रहा है ऐसी बातों को मुझे अवॉइड करना चाहिए। तो इस तरह से यदि हम अपने डे टू डे लाइफ में जो भी परिस्थितियों का सामना करते हैं उसमें सकारात्मक नज़रिया रखते हैं, आशावादी रहते हैं, उसके लिए हम अपने लिए समय निकालते हैं, राज्यों का अभ्यास करते हैं, स्वयं में परिवर्तन लाते हैं, तो काफ़ी हद तक हम तनाव मुक्त प्रसन्न जीवन जी सकते हैं। मैं 2 पंक्तियों के साथ इसे समाप्त करूँगी।
फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, मुस्कुराकर गम भुलाना जिंदगी है। जीत कर तो मुस्कुराए तो क्या हुआ, हार कर भी मुस्कुराना जिंदगी है। शांति।